सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक अगेन इन दिस ब्रांड न्यू वीडियो। तो गाइज, बहुत लोगों ने मुझे कमेंट कर रहा था कि आप अपने एमटी बाइक का मॉडिफिकेशन क्यों नहीं कर रहे हो। तो गाइज, ऑलमोस्ट 3 महीना हो चुका है मैं अपने एमटी बाइक को ओन कर रहा हूँ और फाइनली अब इसका मॉडिफिकेशंस वाला काम शुरू होने वाला है। तो आज जो है वो पहला मॉडिफिकेशंस करेंगे अपने एमटी बाइक का, और वो पहला मॉडिफिकेशंस होगा इसके वाइज़र का। तो एमटी बाइक पे मैं इसका वाइज़र लगाने वाला हूँ, जो एमटी के सर का ताज होता है और काफ़ी खूबसूरत लगता है अगर वाइज़र लगाया जाए। तो मैंने ऑनलाइन से ऑर्डर किया है। और जो दूसरा मॉडिफिकेशन होगा आज, वो होगा इसका लुकिंग ग्लास। तो मैंने साइड मिरर लुकिंग ग्लास मैंने ऑर्डर किया है बाइक का, क्योंकि मैं कोलकाता से हूँ और यहाँ पे अगर विदाउट लुकिंग ग्लास मैं जाता हूँ बाइक लेके, तो मेरा चलान भी बन सकता है। तो इससे बचने के लिए मैं तो चाहता था कि मैं पूरा लुकिंग ग्लास ही हटा दूँ बाइक पे। बहुत सारा मैंने रील्स पे देखा है, इंस्टाग्राम रील्स पे, यूट्यूब पे देखा है, बट बेसिकली मुझे चालान से बचने के लिए मुझे साइड मिरर लगाना पड़ रहा है ताकि बाइक का लुक थोड़ा इन्हेंस हो जाए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और करते हैं इस वाइज़र का अनबॉक्सिंग और साइड मिरर का भी अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं। चलो शुरू करते हैं। सो गाइज, ये था, मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, ये वाइज़र है। मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, देख सकते हो इसका पैकेट ओपनड है, और मैं आपके लिए, मैं दिखाने के लिए बस इसको ऐसे ही ओपन करता हूँ। तो गाइज़, ये था वाइज़र, जो कि ये ग्लॉजी फिनिश में है और इस तरह का कुछ दिखता है। मैं तो मैट ऑर्डर किया था बट ये ग्लॉजी आ गया, तो मैं सोचा कि रख ही लेता हूँ। बहुत लोगों ने बोला, मेरे दोस्त लोगों ने, कि इसको या इसको भी यार रख ही ले, एक इसको लगा कि कैसा लगता है, अगर अच्छा लगता है तो फिर इसको यूज़ करना, अदरवाइज़ फिर से एक मैट ऑर्डर कर देना। तो ये था वाइज़र, ये फर्स्ट मॉडिफिकेशन है वाइज़र का। तो ये बेस्ट वाइज़र होने वाला है मुझे लग रहा है, और प्राइस जो है ज़्यादा नहीं लिया है, प्राइस 270 रुपये लिया है फ्लिपकार्ट से। तो आई होप अगर आप भी एमटी यूज़ करते हो और आपको भी मॉडिफिकेशन करना है तो आप ये वाइज़र ख़रीद सकते हो फ्लिपकार्ट से। अगर आप बोलेगे तो मैं बाय लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो ये वाइज़र था, चलो इसको पैक करते हैं और दूसरा आपको दिखाते हैं साइड मिरर। सो गाइज, वो था मेरा वाइज़र एमटी का, और ये जो है पैकेट मैंने ये भी ऑनलाइन से ऑर्डर किया था, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। ये है बाइक का साइड मिरर, चलो इसको अनबॉक्स करके दिखाते हैं कि इस पैकेट में क्या है। मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ कैसा लुक है, पूरा मेटल फिनिश है, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये कैसा लगता है, ठीक है। पैकेजिंग इसका बहुत बढ़िया है और बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है, इसको साइड में रखते हैं। तो गाइज, कुछ इस तरह का पैकेट के साथ ये आ रहा है, पूरा साइड मिरर, और ये मेटल फिनिश में है। तो ये कुछ इस तरह का लगेगा, कुछ इस तरह का साइड मिरर लगता है, और ये पूरा मेटल बॉडी है। तो आई होप कि आपको ये पसंद आएगा प्रोडक्ट, मुझे तो गाइज बहुत अच्छा लगा ये प्रोडक्ट। और क्योंकि ये इसका बिल्ड क्वालिटी का बात करें तो पूरा ये मेटल है, देख सकते हैं आवाज़, ये पूरा मेटल का बॉडी का बनाया हुआ है, वेट भी काफ़ी अच्छा है, और प्राइस भी इसका अच्छा ही लिया है। आपका प्राइस इसका जो लिया है 530 रुपये लिया है, ठीक है। तो ये दो मॉडिफिकेशन था मेरे बाइक पे होने वाला। तो चलो इसको लेकर चलते हैं मैकेनिक के पास, इसको फिट कराते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या लुक इन्हेंस करके आता है एमटी का। सो गाइज, अभी हम लोग मैकेनिक के पास आ चुके हैं और वाइज़र का जो फिटिंग का काम है वो स्टार्ट हो चुका है, और इसको अभी हम लोग ओपन करके एलन की से ओपन करना पड़ता है, उसके बाद इसको स्क्रू के साथ आप फिट कर सकते हो। सो बेसिकली मैं ऑर्डर कर रहा था आपका मैट बॉडी, मैट जो वाइज़र होता है उस पर क्या होता है ना, स्क्रैचेस वगैरह नहीं लगते हैं। अगर आप देखोगे ये शाइनिंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस पर स्क्रैचेस भी उतने ही पड़ेंगे डे बाई डे जितना दिन जाएगा। तो मैं इस पर कोशिश करूँगा कि जैसे मैंने अपने बाइक पर रैपिंग कराया था उस पर वाइज़र भी करा लूँ आज। अगर आज रैपिंग हो जाता है तो क्या है कि स्क्रैचेस से थोड़ा बच जाएगा, और अगर मैट बॉडी होता, जैसे कि आपका मैट डिज़ाइन ये होगी, आपका जो मैट ये प्लास्टिक है, ऐसा अगर मिलता तो इस पर स्क्रैचेस उतना पड़ता नहीं है, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छा होता, बट वो मिला नहीं। तो खैर इसी से काम चलाना पड़ेगा फ़िलहाल के लिए, और इसके बाद जो है लुकिंग ग्लास ये रिमूव करेंगे हम लोग, रिमूव करने के बाद साइड मिरर भी लगाएंगे। सो गाइस, वाइज़र का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, और ये स्क्रू थोड़ा सा छोटा हो रहा था तो भैया ने मेहनत करके इसको लगा दिया कैसे भी करके। और अभी काम जो है, अभी मिरर लगाने वाले हैं। मिरर हम लोगों ने दोनों खोल लिया, जो ओरिजिनल मिरर है वहाँ रखा हुआ हम लोग का, और जो पैकेट वाला जो मिरर था साइड मिरर, ये वाला। तो सब कुछ कराने के बाद मैं आपको एक अच्छे जगह पर लेके जाता हूँ, फाका प्लेस में, वहाँ पर जाके एम्प्टी प्लेस में ले आके आपको दिखाते हैं इसका अच्छे से और एक्सप्लेन करते हैं। सो गाइस, फाइनली अपना काम कंप्लीट हो चुका है, मिरर भी दोनों लग गया है, और
वाइजर भी लग गया है। अब चलो थोड़ा एक छोटा सा राइड लेके आया जाए। भाई चेन तो बंद कर ले, पैसा दे देगा। दे दो उनको, कितना देना हो? 120। तो अब चलाने में बहुत ही मजा लग रहा है। कुछ नहीं, अगर हिसाब से बोला जाए तो इसका लेंथ काफ़ी बड़ा हो चुका है, इधर भी बड़ा हो चुका है। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे मोड़ भी सकते हो। तो क्या है कि थोड़ा सा अगर आप गली में निकालोगे तो फिर आपको उतना तकलीफ नहीं होगा। तो आपका कुछ अगर देखना अगर हुआ, मान लो कि आप चाहते हो कि कुछ दिखे, तो ये शो ऑफ के लिए है, इसमें कुछ दिख नहीं रहा है। वैसे ये पूरा शो ऑफ के लिए ही है। ये आपका अगर आप चाहते हो कि आपका बाइक का कुछ लुकिंग ग्लास बैक साइड से कुछ दिखता है, तो गाइस अगर मैं इसका रिव्यू देके बताऊं तो इसमें कुछ दिखेगा नहीं, बस शो ऑफ पर्पस के लिए लगाया गया है ताकि पुलिस वगैरह पकड़े नहीं कोलकाता में। और सो गाइज आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। और गाइज अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो फॉलो कर सकते हो, ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी। और चलो फिर मिलते हैं।